नमस्कार साथियों, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके NCERT बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 11वीं की जो आपकी भूगोल की बुक्स है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के नाम से, इसके दो चैप्टर खत्म कर चुके थे। पहला चैप्टर कौन सा था? इसमें पहला चैप्टर था आपका भूगोल एक विषय के रूप में, और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने देखा था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। ठीक है, आज हमें बात करनी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि इस बुक्स का ये तीसरा चैप्टर है। इससे पहले आपको एक सामान्य जानकारी दे देता हूँ कि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की बुक्स NCERT की, और प्लस साथ में आप देखेंगे राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं की बुक्स, दो बुक्स हैं कक्षा 11वीं में राजनीति विज्ञान में, इन सबको कवर करवा चुका हूँ। और इन सब की PDF आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, और इनकी जो वीडियो क्लासेस हैं वो आपकी NCERT किताबों का पूर्ण कवरेज के नाम से, जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनाई हुई है उसी में डली हुई है। तो आप समझिए कि आप लोगों को, मुझे लगता है कि अब मालूम चल चुका होगा कि NCERT कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है आपकी तैयारी के दौरान, फिर चाहे आप लोग PCS की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो। समझ रहे हैं, इसके बिना कुछ नहीं उखड़ने वाला है। और एक बात और याद रखिए आप लोग, ये सभी बुक्स इतने सरल शब्दों में लिखी गई हैं कि इन्हें आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए आप लोग। आपकी प्रॉब्लम इतनी सी थी कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, और ये बुक्स मिलेंगी कहाँ आखिर, तो इन सब का समाधान कर दिया गया है। अब आप डाउनलोड करके आप खुद से भी पढ़ते रहा करिएगा। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना है, यानी कि आप समझिए, आप देखेंगे ये हमारी प्यारी पृथ्वी, मान लीजिए एक गोला के रूप में हमारी गोल पृथ्वी है ना, गोलाकार की, एक तरह से आप कहिए कि पूरी गोल नहीं है, बिल्कुल गेंद जैसी, थोड़ी चपटी भी है, लेकिन फिलहाल आप लोग इसे अंदाज इसी तरह से लगाते हैं ना। इसमें आप देखेंगे, देखिए इसकी आंतरिक संरचना के बारे में हमें जाना है कि अंदर क्या है। समझ रहे हैं आप लोग, मान लीजिए एक सेब लीजिए आप लोग, अब सेब के अंदर क्या है, अंदर जाएंगे आप लोग किस तरह की स्थिति है उसके बारे में पता लगाना है आपको। तो आप क्या करेंगे कि सेब का एक भाग काट देंगे, उस कटे हुए भाग की आप लोग जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, और इस तरह से आप लोग जानेंगे। ठीक है, ऊपर आप देखते हैं कि परपटी यानी कि स्थल मंडल हो गया आपका, फिर आप नीचे जाते हैं मेंटल, फिर आपको एक तरह से सीमा, फिर बाह्य कोर मिलता है, फिर आंतरिक कोर मिलता है। समझ रहे, इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हमें जानना है, और इन सब का जानने का तरीका क्या है, आधार क्या है। तो आधार समझिए आप लोग, इसका आधार है किन आधारों पर विज्ञानिक या जो भी इस तरह के लोग होते हैं वो लगाते हैं, तापमान, घनत्व, दाब, भूकंप, ज्वालामुखी के आधार पर बताते हैं कि कहाँ किस तरह किस अवस्था में पाई जाती है पृथ्वी। समझ रहे हैं आप लोग, क्या कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है, या फिर एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल कहलाती है, यानी कि जिसमें हम लोग रह रहे हैं? कि आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग या फिर मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका है और नहीं पहुंच सकता है। समझ रहे हैं आप लोग, मैंने इसीलिए तो बोला है कि किन आधारों पर हम लोग पता लगाते हैं, इन्हीं आधारों पर, ताप के द्वारा या फिर दाब के द्वारा, घनत्व के द्वारा, या आप समझिए आप लोग कि जो भूकंप होता निकलता है या ज्वालामुखी फटता है, तो उसी आधार पर हम लोग पृथ्वी की जांच करते हैं। ठीक है, और याद रखिए आप लोगों को बड़े धैर्य के साथ सुनना है, या फिर आप लोग पढ़ रहे हैं अपने आप से तो बड़े धैर्य के साथ पढ़िए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको यह कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो आप समझ ना सकें। ठीक है, पृथ्वी के धरातल का विन्यास विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भूआकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होता है। अर्थात किसी भी प्रदेश की भूआकृति को समझने के लिए भूगर्भीय क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भूआकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना भी आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या फिर सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, यह जरूरी है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो।
पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी से करोड़ तक का सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित होता है, यानी कि ऊपर से हम लोग नीचे तक जाएंगे तो तरह तरह की अवस्थाएं हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है, करोड़ तक। यह जानना भी अत्यंत आवश्यक रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की हो और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया है। यह अध्याय इसी विषय से आपका संबंधित भी है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। भूगर्भ की जानकारी के साधन की बात करें हम लोग तो पृथ्वी की त्रिज्या 6.6 माफ करिए 6370 किलोमीटर है। कितना? 6370 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। आप लोग वन डे एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखते रहते हैं तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके, ठीक है, अगर आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुँच कर उसका निरीक्षण कर सके या फिर वहाँ के पदार्थों का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। तथाकथित इस जानकारी को कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थों के विश्लेषण पर ही आधारित है। आप समझिए, जो आप समझते होंगे कि आपने देखा होगा भूकंप फटता है या ज्वालामुखी आता है तो उसमें उसी के जरिए हम लोग पता लगा लेते हैं कि नीचे पदार्थ कौन सा है या कोई तरंगे भेज के, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हम लोग एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारा पहुंचना वहां तक मुमकिन नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें जिससे हम लोग पता लगाते हैं तो प्रत्यक्ष पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टाने हैं अथवा वे चट्टाने जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं, यानी कि ऊपर से बोल रहा हूँ, धरातल से आप देखेंगे, ऊपर से आप लोग स्थल मंडल से नीचे जाएंगे तो 3 से 4 किलोमीटर तक ये गहरी हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, सोने की खदानें। इससे अधिक गहराई में जहाँ जा पाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है और खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं या फिर एक गहरे समुद्र में विभेदन परियोजना व समन्वित महासागरीय विभेदन परियोजना। आज तक सबसे गहरा विभेदन आर्कटिक महासागर कोलाम क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। एक तरह से आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि आपने सुना होगा कि कोई बोरिंग मशीन करता जाएगा नीचे पहुंच जाएंगे, इस तरह की कहावतें से भी सुनी होगी, कुआं खोदता गया कोई नीचे उसे आवाज आ रही थी। समझ रहे हैं? ये सब बहाने, एक तरह से बातें रह गई। समझ रहे हैं आप लोग? गहराई तक पृथ्वी के एंड तक आंतरिक कोर तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, अभी तो नहीं है। देखिए, समझ रहे हैं आप लोग? अभी 12 किलोमीटर तक सबसे ज्यादा आर्कटिक महासागर में ही कोर एक तरह से गहराई तक पता लगाया जा सका या पहुंच सका कोई, ठीक है, विभेदन किया जा सका। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी के एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है और यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है, यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है, यानी कि नीचे से कितने दूरी से आया हुआ है। अगर हम लोग अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो इसमें पदार्थ के गुणधर्म की विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दाब में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। आप समझ रहे हैं? नीचे आप लोग जैसे ही जाएंगे तो तापमान एवं दबाव में भी वृद्धि होगी और साथ में यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने यानी कि नीचे बढ़ने के साथ घनत्व में भी बढ़ोतरी होती है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थों के तापमान, दबाव और घनत्व के मान को अनुमानित किया है और प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का विस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है, ठीक है। पृथ्वी की जो मैंने बताया, पहले भी बताया कि
कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानने का यही आधार है। समझ रहे हैं आप लोग? कौन कौन से बार बार बोल रहा हूँ कि तापमान हो, फिर घनत्व हो, दाब हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, इन्हीं आधारों को वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कहाँ कौन सी अवस्था पाई जाती है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जो कभी कभी धरती तक पहुंचती हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ से के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह यानी कि पृथ्वी बनी हुई है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अगर आपसे मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग प्रत्यक्ष स्रोत भी लिखेंगे, अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में भी जानकारी देंगे, किस तरह से हम लोग पृथ्वी की जानकारी इकट्ठी करते हैं, यानी कि पृथ्वी के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसलिए तो कहा जाता है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, आपका बेस मजबूत होगा। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, भूकंप संबंधी क्रियाएं हो गई, इनके द्वारा हम लोग जानते हैं। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है, यानी कि ध्रुवों पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा और भूमध्य रेखा पर सबसे कम। ठीक है, गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार ही भी बदलता है और पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है और इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूपरपटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है और चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपरपटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी भी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है, अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा भी कर लेते हैं। ठीक है, भूकंप के बारे में अब देखिए आप लोग। भूकंप, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है और साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन, यानी कि आप देखते हैं, सुनते रहते हैं ना कि पृथ्वी वो भूकंप आया हुआ है वहां, यानी कि पृथ्वी हिल गई है, पृथ्वी में कंपन हुई है, कई मकान भी आप देखते हैं धस जाते हैं, एक तरह से गिर जाते हैं। यह एक प्राकृतिक घटना है, ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप उत्पाद भूकंप लाती हैं। ये तो समय समय पर आप लोग सुनते रहते हैं भूकंप के बारे में। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि पृथ्वी में आखिर कंपन क्यों होती है। समझ रहे हैं आप लोग? ये देख लीजिए आप लोग, पी तरंग हो गई, एस तरंगे हो गई और धरातलीय तरंगे हो गई। ठीक है, भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है, भूपरपट्टी की सेलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं, यानी कि आप समझिए दरार से ही निकलना। भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती हैं, जहां ऊपर के सेलखंड दबाव डालते हैं उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है, फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे की विपरीत दिशा में सरक जाती हैं और इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। यही एसपी जो आपकी धरातलीय तरंगें हैं, यही है वो स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसे आप लोग भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं, यानी कि जहाँ से आपने समझ रहे हैं ऊर्जा निकल रही है, शुरू हो रही है, समझ रहे हैं, उन्हें भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम का मतलब होता है जहां से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है, इस पॉइंट को भी याद रखिए आप लोग, जहां से उत्पन्न हो रही है उन्हें आप लोग अवकेंद्र या उद्गम केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं और भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र की समीपतम होता है उसे अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है और अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। क्या होता है? 90 डिग्री के कोण पर होता है, देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिए आप लोग कि जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है और जहां पहुंच रहा है एक तरह से उसी की बात की जा रही है। ठीक है, इसके बारे में क्या है कि इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है कि भूकंप किस तरह से आते हैं, किस तरह से उत्पन्न हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप?
आगे वो भूकंपीय तरंगों के बारे में अगर हम बात करें, किसके भूकंपीय तरंगों के बारे में, तो इनसे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार बनते रहते हैं, तो आप लोगों को बड़े ध्यान से इन्हें भी पढ़ना है, इन्हें भी क्या करना है, पढ़ना है आपको। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं, और इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी अभी आप लोग इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं आप लोग। स्थल मंडल आप लोग किसे कहते हैं आखिर, आप समझिए, पृथ्वी के धरातल से यानी कि ऊपर से 200 किलोमीटर की आप लोग गहराई तक जाएंगे। मान लीजिए, देखिए, यहाँ से आप लोग ऊपर से आप लोग 200 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे, उसे आप लोग स्थल मंडल कह देते हैं। यहाँ तक आप क्या कहेंगे, उसे स्थल मंडल कहेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से आप लोग इन पॉइंटों को याद रखते रहिए। ऊपर से आप लोग जाएंगे 200 किलोमीटर तक, तो इसे आप लोग स्थल मंडल कह देते हैं। ठीक है, और भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित यानी कि इसके द्वारा एक तरह से चेक करता है, और चित्र 3.1 भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखाता है। ऊपर आप लोगों ने देखा ना, इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए आप लोग, ए पी तरंगें हो गई, ये आपकी एस तरंगें हो गई, ठीक है, और ये धरातलीय तरंगें हो गई, जिन्हें एल तरंगें भी कह देते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसी की बात कर रहे हैं। और भूकंप की एक और बात बताऊं आपके, इसके परिणाम की जांच की जाती है रिएक्टर स्केल के द्वारा। ठीक है, अगर तीव्रता की बात करें आप लोग, तो तीव्रता की जांच की जाती है मार्केली स्केल के द्वारा। ठीक है, अगर परिणाम के बारे में अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भूकंप का परिणाम किसके द्वारा मापा जाता है, तो यह है रिएक्टर स्केल। अगर पूछे आपसे कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो आप लोगों को याद रखना है मार्केली स्केल के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यह बक तीन अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित कर रहा है, ऊपर आप लोगों ने देखा भी है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है भूगर्भिक तरंगें और दूसरी होती है आपकी धरातलीय तरंगें। ठीक है, भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। इसलिए अब अभी इन्हें आप लोग क्या कहेंगे, भूगर्भिक तरंगें कहते हैं, जो अंदर ही रहती हैं। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें आप लोग धरातलीय तरंगें कहते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं तरंगों के कारण होता है, धरातलीय तरंगों के कारण। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती हैं और तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है, आप समझ रहे हैं, जहाँ अधिक घनत्व होगा तो वहाँ समझिए आप लोग तरंगे हैं, जो तरंगे हैं इनका वेग भी अधिक देखने को मिलेगा। और पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं अवर्तन होता है, जिसमें इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। भूकंप भूगर्भीय तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं, इन्हें आप लोग पी तरंगे भी कह देते हैं और एस तरंगे भी कहते हैं। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा तेज आपकी पी तरंगे चलती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती भी है। जो पी तरंगे हैं सबसे तीव्र गति में भी चलती हैं और धरातल पर यानी ऊपर सबसे पहले यही तरंगे पहुंचती हैं। इन्हें आप लोग प्राइमरी तरंगे भी कह देते हैं या प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, और पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, समझ रहे हैं आप लोग। एक गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि पी तरंगे किन किन माध्यम से गुजर सकती हैं, तो ये आपकी गैस तरंगे, गैस पदार्थों से भी गुजर सकती हैं, तरलीय पदार्थों से भी गुजर सकती हैं और ठोस पदार्थों से भी गुजर सकती हैं। ये तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं, कौन, प्राथमिक तरंगे। एस तरंगों के बारे में अगर हम बात करें तो ये धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुँचती हैं और इन्हें आप लोग द्वितीय यानी कि सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे कह देते हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ कि जो आपकी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक तरंगे हैं, ये तीनों पदार्थों से गुजर सकती हैं, लेकिन एस तरंगे आपकी, द्वितीयक तरंगे आपकी केवल ठोस माध्यम से ही गुजरेंगी। ठीक है, एस तरंगों की यह महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है, इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भिक संरचना समझने में मदद की है। परावर्तन ने तरंग प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती है आती है जबकि
अपवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चलती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान भी लगाया जाता है। और धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगें ज्यादा विनाशकारी होती हैं और इनसे सैल विस्थापित होते हैं और इमारतें गिर जाती हैं। जो आपकी धरातलीय तरंगों के बारे में पहले भी बोला है, सबसे खतरनाक यही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं भूकंपीय तरंगों का संचरण। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती हैं तो ये सेलों में कंपन पैदा होती है और पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है और इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थों के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य तीन तरह की तरंगें संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं और एस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं और धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया है कि सबसे खतरनाक तरंगें कौन सी हैं, तो याद रखिए धरातलीय तरंगें सबसे खतरनाक तरंगें एक तरह से मानी जाती हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक यही है आपकी। चलते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं छाया क्षेत्र की बात करें। अब आप कहेंगे छाया क्षेत्र आखिर क्या होता है, तो आप समझिए जहां एक तरह से मुड़ जाएंगी तरंगे और जो छाया आकार का बन जाएगा उन्हें आप लोग भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अवलिखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, ऐसे क्षेत्र को आप लोग भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। मान लीजिए देखिए यहाँ 1 करोड़ है, यहां से आप लोग देखिए मुड़ जाती हैं तरंगे, आप समझ रहे हैं, तो इसे आप लोग क्या कह देते हैं, छाया क्षेत्र। क्या कह देते हैं, छाया क्षेत्र। ठीक है, याद रखिए। देखिए इस तरह से आप लोग देख भी सकते हैं, ये मुड़ रही ना, इनकी पी तरंगों का पथ भी हो गया। ठीक है, विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। चित्र 3.2 आ और बा में पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। देखिए इसमें आपका पी तरंगों का छाया क्षेत्र दर्शाया गया है, एक तरह से आप देख सकते हैं पी तरंगों का छाया क्षेत्र, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जहां ये जा नहीं सके, सीधी सी बात। ठीक है, और एस तरंगों की अगर छाया क्षेत्र की बात करें तो देखिए यहाँ आप लोग देखिए आप लोग, ठीक है, इसकी बात करें, यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों तरंगों का अवलेखन करती हैं, यहाँ आप लोग देखिए। ठीक है, और भूकंप लेखी अभी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अवलेखित नहीं करते हैं। अतः विज्ञानकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। एक तरह से आप समझिए कि जहां तक आपकी दोनों तरंगें नहीं पहुंच पाएंगी, ना तो आपकी पी वेव्स और ना ही आपकी एस वेव्स पहुंच पाएंगी, वो कौन सा क्षेत्र है, 105 डिग्री से लेकर, देखिए यहां से लेकर आप लोग देखेंगे 145, यानी कि यहां तक की बात कर रहे हैं। तो इसे ये दोनों एक तरह से आप कह सकते हैं कि पी और एस दोनों का एक तरह से छाया क्षेत्र है। ठीक है, और 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंच पाती हैं, यहां से आप देखिए। ठीक है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है, यानी कि कहने का मतलब है कि एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है पी तरंगों के छाया क्षेत्र से बड़ा है। ठीक है, यानी कि उसका विस्तार ज्यादा है। आप लोगों ने देखा है कि एस तरंगें आपकी केवल ठोस माध्यम में पहुंच पाएंगे और जहां तक आप समझिए ठोस माध्यम होगा वहीं तक एस तरंगें पहुंच पाएंगे, लेकिन पी तरंगों की यह विशेषता है कि तीनों माध्यम में प्रवेश कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पी वेव्स का छाया क्षेत्र छोटा होगा, एस तरंगों का छाया क्षेत्र बड़ा होगा। ठीक है, भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में
पृथ्वी के चारों तरह तरह प्रतीत होता है, यहाँ आप लोग देख भी रहे हैं। ऐसे तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं, और किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स नंबर आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ आप लोग एक बार और देख लीजिए, एक तरह से आप समझिए। ठीक है, यहाँ से आप समझिए कि पृथ्वी का करोड़ हो गया। ठीक है, यहाँ से आपकी जो भी भूकंप उठ रहा है, ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों की तरंगें फैलना शुरू करेंगी। अब समझिए आप लोग कि पी तरंग जो तीनों माध्यम से गुजरेगी, जहां जहां माध्यम तीनों होंगे, फिर चाहे आपका, समझ रहे हैं आप लोग, तो वहां तक पी तरंगें आपकी पहुंच जाएंगी। लेकिन एस तरंगें केवल ठोस माध्यम से गुजरेगी, तो ए ठोस माध्यम जहां तक होगा तो एस तरंगें वहीं तक पहुंच पाएंगी। मान लीजिए आप समझिए कि जो आपकी एस तरंगें हैं वो केवल एक तरह से आप समझिए कि यहां तक पहुंच पा रही हैं, ये पूरा क्या कहा जाएगा, यानी कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र, और पी तरंगों का आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये भी कई बार पूछ लेता है कि भूकंप आखिर कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः विवर्तनिकी भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप भी समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें आप लोग नियात भूकंप कह देते हैं। क्या कह देते हैं? भूकंप। आप देखते रहते हैं ना कि खनन क्षेत्र होता रहता है, उनसे क्या होता है कि आप समझिए कि ऊपर की जो छत रह जाती है वो गिर जाती है, उससे भी छोटे मोटे झटके लग जाते हैं, उन्हें आप लोग नियात भूकंप कह देते हैं। कभी कभी परमाणु या फिर रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होता है। इस तरह के झटकों को भी विस्फोट या भूकंप कहा जाता है, विस्फोट भूकंप कह देते हैं। मान लीजिए आपने कहीं नाभिकीय परीक्षण किया हुआ है या रासायनिक विस्फोट किया है आपने, तो आप देखते होंगे ना कि पृथ्वी कंपन कर जाती है, तो उसे भी एक तरह से आप लोग विस्फोट भूकंप कह देते हैं, यानी कि विस्फोट के द्वारा हुआ है। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें आप लोग बांध जनित भूकंप कह देते हैं, क्योंकि बांधों की वजह से ये आ जाते हैं। ठीक है, भूकंप की अगर माप की बात करें हम लोग, तो भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, क्या बोला है कि भूकंप को आप लोग दो तरह से मापते हैं। अगर उसके परिणाम की बात आती है, उसके परिमाण की बात आती है, तो आप लोग रिएक्टर स्केल के द्वारा मापते हैं। अगर उसके विनाश की बात आए कि कितना तीव्र हुआ है, तीव्रता से आया हुआ था, कितना विनाश हुआ, तो उसे आप लोग मार्केली स्केल के द्वारा नापते हैं। देखिए यहाँ भूकंपीय या तीव्रता की मापनी यानी कि माप रिएक्टर स्केल के नाम से आप लोग जानते हैं। भूकंपीय तीव्रता के भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है, और इस मापने के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। ठीक है, यानी कि आप समझिए एक स्केल होता है, उस पर एक 0 से 10 तक होता है। ये आप पुराने हैं जो भूकंप आए हुए थे। ठीक है, आघात की तीव्रता गहन को इटली के भूकंपीय वैज्ञानिक मार्केली मार्केली के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, एक तरह से मैंने बताया ना कि भूकंप के परिमाण को आप लोग रिएक्टर स्केल के द्वारा माप रहे हैं, इसकी तीव्रता की अगर आपको जानकारी करनी है तो ये मार्केली स्केल के द्वारा, और यह झटकों से हुए प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता के लिए आप 1 से 12 तक एक तरह से स्केल रहता है रोमन लिपि का। ठीक है, इसके द्वारा मापते हैं। अब हम बात करते हैं भूकंप के प्रभाव की। अगर बात करें तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है: भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन या पंगस्खलन, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध व तटबंधों के टूटने से बाढ़ आना, आग लगना, इमारतों का टूटना और ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना या सुनामी आना। ये आपके भूकंप के प्रभाव हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार कि भूकंप के प्रभाव लिखने के लिए आपसे, आप जो जानते हैं स्टेट पीसीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कई स्टेट में, तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। देख लीजिए, आप लोग इन्हें देख लीजिए। ज्वारीय लहरों द्वारा हुई तबाही का एक दृश्य मेरीना तट भारत की बात करें, इस तरह के दृश्य आपको देखने को मिलते रहते हैं।
ज्वारीय लहरों द्वारा हुए विनाश का एक चित्र दृश्य ये थाईलैंड का है, ज्वारीय लहरों द्वारा हुए विनाश का एक दृश्य इंडोनेशिया का है, और ज्वारीय लहरों द्वारा तटों पर स्थित आवासीय क्षेत्रों का विध्वंस ये श्रीलंका का है। ये हमारा पड़ोसी है ना श्रीलंका, इसी की बात करें। उपयुक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले छह का प्रभाव स्थल रूप पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाली जनवर्धन की हानि से समझा जाता है। और सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अध स्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें होती हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। वरना आप लोगों ने सुना होगा कि 5 से कम तो आते ही रहते हैं हमेशा, कभी ना कभी आप लोगों को मालूम चल जाएगा, लेकिन 5 से ऊपर रहता है जो ये खतरनाक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग भूकंप की आवृत्ति के बारे में। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, कितनी बार बोल चुका हूँ। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अत्यधिक हानि होती है, फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप होते हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के विवरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे, यानी कि विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, और फिर यह देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है, जो 1-2 वर्ष में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी ना किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। आप समझ रहे हैं, यानी कि खतरनाक भूकंप कम ही आते हैं और हल्के हर मिनट आते रहते हैं। हल्के भूकंप तो आपकी धरती पर कहीं ना कहीं हर मिनट आते रहते हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम ही नहीं चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पृथ्वी की संरचना के बारे में। मैं खुद एक तरह से अचंभित रहता हूँ कि आपको इसमें क्या पढ़ाऊँ, क्या समझाऊँ। आप लोग अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, आपको बस प्रॉब्लम जहाँ भी हुआ करे वहाँ आप लोग बता दिया करेगा। ठीक है, मैंने तो बोला ही है कि मैं कवर करवा दूंगा, तो करवाना मेरे एक तरह से आप कहिए कि मजबूरी बोल दीजिए कि मुझे तो करवाना ही पड़ेगा जब आप लोगों से वादा किया हुआ है तो। लेकिन आप अपने से भी बिना टाइम गवाए पढ़ते रहा करिएगा। ठीक है, देखिए ये पृथ्वी की संरचना की बात करें तो आप देख रहे हैं ये सबसे पहले भूपर्पटी है, फिर आप देखेंगे यहाँ दुर्बलता मंडल हो गया, मेंटल क्रोड ठोस, नीचे आप आंतरिक क्रोड हो गया। ठीक है, कोर। तो सबसे पहले बात करते हैं भूपर्पटी के बारे में, क्रस्ट के बारे में। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है, यानी कि ऊपर का सबसे, यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। आप समझिए कि महाद्वीपों में आपको कम मतलब अधिक गहराई तक देखने को मिलेगा और महासागरों में कम गहराई तक देखने को मिलेगा। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। क्या बोल रहा हूँ, एक एक शब्द को ध्यान में दीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। इसे आप लोग किस तरह से समझिए, इस तरह से समझिए। ठीक है, एक पेन ले लीजिए। अब आप देखते होंगे ना, आपके जो महाद्वीप कहाँ हैं, यहाँ होते हैं, महासागर गहराई में होते हैं। तो यहाँ से आप लोग नीचे जाएंगे तो भूपर्पटी की जो गहराई होगी वो कम देखने को मिलेगी, यहाँ से आप लोग नीचे जाएंगे तो अधिक देखने को मिलेगी। ये तो एक सामान्य सी जानकारी है, समझ रहे हैं आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग, महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई अगर पूछे तो 5 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। जल की बात कर रहा हूँ महासागर की, जैसे आपका हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, इनकी बात कर रहा हूँ। जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर की तक देखने को मिलेगी। महाद्वीप की बात कर रहा हूँ तो आप समझिए एशिया की बात कर रहा हूँ, या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, समझ रहे हैं, इनकी बात कर रहा हूँ। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक होती है, और हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे भूपर्पटी की ऊंचाई मोटाई लगभग 70 किलोमीटर होती है। अब आप समझिए पृथ्वी से ऊपर, आप समझिए कि जितने, एक तरह से आप समझिए ये पृथ्वी हो गई मान लीजिए। अगर आप सोचिए कि ऊपर जितने भी एक तरह से पहाड़ हो गए, ये जितनी भी ऊंचाई पर होंगे पहाड़, यहां से आप जाएंगे तो भूपर्पटी की एक तरह से गहराई उतनी ही गहराई होगी ज्यादा, और जल आप देखते हैं नीचे भरा हो रहता है इनका तो कम रहती है। एक तो एक सामान्य सी जानकारी, यार मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप इसमें कुछ नहीं है ऐसा, आप आराम से समझ सकते हैं अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं तो।
भूपर्पटी भारी चट्टानों से बना है और इसका इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित होती हैं और महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ सबसे ऊपर भूपर्पटी, ठीक है, स्थलमंडल भूपर्पटी ऊपरी सर्वाधिक ठोस मॉडल ए ऊपर देखने को मिलेगा। फिर आप देखते हैं दुर्बलता मंडल, मेंटल, और फिर आप लोग देखेंगे यहाँ द्रव ठोस अवस्था, इस तरह से आप लोग जाएंगे। और देखिए आप लोग कितनी गहराई तक है, 6378 किलोमीटर गहराई तक आपकी पृथ्वी है। और आप समझिए लोग कहते हैं कि वो इस तरह की कहानियां सुनाया करते हैं लोग आपको, कि कोई कुआं खोद रहा था, कोई एक तरह से बोरिंग कर रहा था, तो नीचे तक पहुंच गए, पृथ्वी की बिल्कुल एंड तक पहुंच गए। ये सब एक तरह से मनगढ़ंत कहानी हुआ करती है। आप समझ सकते हैं कि 6378 किलोमीटर नीचे तक जाना मुमकिन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मेंटल की, इस क्षेत्र की। ठीक है, भूपर्पटी में पर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। ऊपर से नीचे आप जाएंगे तो मेंटल मिलेगा। यह मोहो आसंतत्य से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, यानी कि यहाँ तक की बात करें। ठीक है, यहाँ से आप लोग यहाँ तक की बात करें। और मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से होता है। इसका विस्तार आप देखेंगे 400 किलोमीटर तक आंका जाता है। और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यहीं आपको देखने को मिलेगा, इसी क्षेत्र से। ठीक है, इसका घनत्व भूपर्पटी की चट्टानों से अधिक होता है, और अर्थात 3.4 यानी कि 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक होता है। भूपर्पटी एवं मेंटल की ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 100 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि स्थलमंडल की कितनी गहराई होती है, 200 किलोमीटर तक। ठीक है, निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। यहाँ आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं करोड़ के बारे में। ठीक है, जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के करोड़ को समझने में सहायता की है, और करोड़ व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य करोड़ तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक करोड़ ठोस अवस्था में है। मेंटल व कोर की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और केंद्र में आप देखेंगे तो 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व का लगभग आप देखेंगे 13 ग्राम प्रति घनत्व सेंटीमीटर तक हो जाता है। और इससे यह पता चलता है कोर भारी पदार्थ मुख्यतः निकिल लोहे का बना हुआ है, यानी कि कोर कैसे बना हुआ है, निकिल व लोहे से। इसे आप लोग सामान्यतः निफे कह देते हैं, ठीक है, परत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यही आपको याद रखना है। एक बार और आप लोग सुन लीजिए एक शब्द, क्या सुनना है आप लोगों को, कि देखिए आप लोग ऊपर से, जैसे ही आप लोग ऊपरी भूपटल को देखेंगे, ठीक है, यहाँ आप लोगों को विभिन्न महासागर देखने को मिलेंगे, महाद्वीप देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है ऊपर की परत। ठीक है, निचले आप जाएंगे तो भू पटल की, यहाँ तो ये सिलिका और मैग्नीशियम बेसाल्ट से बनी होती है। ठीक है, और नीचे चले जाइए आप लोग, फिर निचला मेंटल मिलता है, फिर क्रोर, फिर नीचे सबसे नीचे आंतरिक कोर होता है। एक तरह से आप लोग इस चित्र को एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल मंडल के रूप में, स्थल रूप में। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकल कर गैसें, राख और तरल पदार्थ, चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। और यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या फिर अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। सक्रिय का मतलब होता है कि आप लोग कह देते हैं ना कि हम लोग इस क्षेत्र में हम सक्रिय हैं, यानी कि वहाँ आते जाते रहते हैं। ठीक है, तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकल कर धरातल पर पहुंचता है, और जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है इसे आप लोग लावा कह देते हैं। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा की जमी हुई टुकड़ों का मालवा और ज्वालामुखी, बम, राख, धूलकण व गैसें, जैसे आप लोग देखेंगे नाइट्रोजन यौगिक हो गया, सल्फर यौगिक,
और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार के होते हैं, देखिए आप लोग, सील्ड ज्वालामुखी, इस तरह से आप देखते रहिए, सेंडर ज्वाला ज्वालामुखी, ठीक है। ये अब बात करते हैं हम सबसे पहले सील्ड ज्वालामुखी के बारे में। बैसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है, यानी कि सबसे अधिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे है आपका सील्ड, कह देते हैं, आपने देखा होगा नीचे, सबसे नीचे आपका मैग्मा चैम्बर, फिर बैथोलीत के बारे में भी सुनते रहते होंगे आप लोग, लेपोलीत के बारे में, सीट के बारे में, फेकोलीत के बारे में, लेकोलीत के बारे में, सील के बारे में और डाइक के बारे में, ठीक है। इस तरह के होते हैं आपके हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, इसके सबसे अच्छे उदाहरण भी हैं सील्ड ज्वालामुखी के। या यह ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित, यानी कि बेसाल्ट से निर्मित होते हैं और जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता है। यदि किसी तरह निकास नालिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोट होना वही इनकी विशेषता है। और इन ज्वालामुखियों से लावा फब्बारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनाता है जो सेंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। इस तरह से आप लोग देखिए, सील्ड ज्वालामुखी और सेंडर शंकु हो गया ये, ठीक है। अब हम लोगों को तो देखने को नहीं मिला है, समझ रहे हैं आप लोग। मिश्रित ज्वालामुखी की अगर बात करें तो इन ज्वालामुखियों में से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान, गाढ़ा व या फिर चिपचिपा लावा निकलता है। फिर या ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं और इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वल खंडास्म पदार्थ व राख की भी धरातल पर पहुंचती है, यानी कि ऊपर राख भी आती है साथ में। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखने को मिलेंगे। देखिए, यह है मिश्रित ज्वालामुखी का चित्र, हम लोग चित्र ही देख लें, ठीक है। फिर बात करते हैं ज्वालामुखी कुंड के बारे में। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोट ज्वालामुखी है और आमतौर पर ये इतने विस्फोट होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धस जाते हैं। जैसे धसे हुए विध्वंस गर्द लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं, ज्वालामुखी कुंड, क्या ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। और इनका यह विस्फोट रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं, वरन इनके बहुत पास स्थित हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत देखने को मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। इन्हें आप लोग यहाँ देखते रहिए। भूकंप अधिकेंद्र का पता लगाना किस तरह से आप लोग लगा सकते हैं, जो पीछे बात की थी ना उसी तरह से आप समझिए। आप लोगों को नहीं लगाना है, बस आप लोगों को पढ़ लेना है और निकल जाइए आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र के बारे में। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं और इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है और भारत का दक्कन टैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादा प्रभाग पाया जाता है, बेहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बेहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था। फिर आप देखेंगे मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, तो इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है और मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है और अगले अध्याय में हम इसमें इसे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग ज्वालामुखी स्थल आकृतियों के बारे में, यानी कि एक तरह से आप समझिए ज्वालामुखी के द्वारा कौन कौन सी आकृतियाँ बनाई जाती हैं। नीचे भी मैंने बताया भी था कि आपको ए बैथोलिथ हो गया, लोपोलिथ हो गया, सीट हो गया, फेकोलिथ हो गया, सील्ड हो गया और लेकोलिथ हो गया, डाइक हो गया, ये सभी स्थल आकृतियाँ हैं कि ज्वालामुखी के द्वारा इस तरह की आकृतियाँ बन जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अंतर्वेधी आकृतियाँ। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है और उसके ठंडा होने से अग्नेय शैल बनती है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर
होता है या फिर धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर अग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है और ज्वालामुखी शैलों जब लावा धरातल पर पहुंचने तक कर ठंडा होता है और पातालीय शैल जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। ठीक है, जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं। ये आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां कहलाती हैं। इनमें से कुछ आप देखेंगे चित्र 3.4 में दिखाई गई हैं। देखिए आप लोग यहाँ, ठीक है, ये आपको दिख रहा है इसके अंदर भीनी लेको लेक, ठीक है, ज्वालामुखी नालिका सील दिख रहा है आपको, सील लेकुलित अपरदन और मिश्रित ज्वालामुखी लावा भैसा सेंडर शंकु जो बात की थी हम लोगों ने ऊपर, लावा पठार बाड़केर ज्वालामुखी ज्वालामुखी या डोम के साथ भस्म शंकु ये दिख रहा है, विकरणकारी भित्ति के साथ ज्वालामुखी ये गीवा ये सेंडर शंकु के साथ ज्वालामुखी कुंड ये कुंड देख रहे हैं, भस्म प्रवाह इन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैथोलिथ के बारे में। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो वही एक गुम्बद के आकार में विकसित हो जाता है और अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपर पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं, इन्हें आप लोग बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग होते हैं। ठीक है, तो बैथोलिथ आपका सबसे नीचे एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है लेकुलिथ, एक गुम्बद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नलिका से नीचे से जुड़ा होता है और इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुम्बद से मिलती है और अंतर केवल इतना है कि लेकुलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुम्बद नुमा पहाड़ियां भी हैं और इनमें से अधिकतर अब अपतित हो चुकी हैं व धरातल पर देखी जा सकते हैं। ये लेकुलित व बैथोलित के अच्छे उदाहरण भी माने जाते हैं। ठीक है, लेपोलिथ और फेकुलित बस्तिल इनके बारे में भी आपको बताया पीछे भी। अब बात करते हैं इनके बारे में, तो ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है जहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाते हैं। यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाए तो इसे आप लोग लेपोलित कहते हैं। क्या कहते हैं? लेपोलित। कई बार आप देखेंगे अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अब अपनति की ऊपर व अपनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टाने एक निश्चित वाहक नली में मैग्मा भंडार से जुड़ी होती है जो क्रम से आपका बैथोलित में विकसित होती हैं। यही फैकुलित कहलाते हैं। क्या कहते हैं? फैकुलित। ठीक है, याद रखिए। फिर आप देखेंगे अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना होना सिल या फिर सीट कहलाता है। क्या कहलाता है? सिल या फिर सीट। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट व घने मोटाई वाले जमाव को आप लोग सिल कहते हैं। ठीक है, एक होता है डाइक। क्या होता है? डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है आपकी। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों में आकृति बहुतायत में आपको देखने को मिलेगी। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन टेप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। तो फिर से आप लोगों को बता देते हैं कि आपको पहले आप लोग देखेंगे मैग्मा चैम्बर के ऊपर, जैसे ही आप लोग जाएंगे तो बैथोलिथ में देखने को मिलेगा, फिर आपको लोपोलिथ देखने को मिलेगा, फिर आप देखेंगे फेकोलिथ, सीट, सील, लेकोलिथ, डाइक। यही है आपके इसके जो भी आपके ज्वालामुखी होते हैं इनके द्वारा जो भी आकृतियां आपकी बनती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं, ये बैथोलिथ हो गया, ठीक है, ये लोपोलिथ हो गया, इस तरह की आकृति बनती है, ये आपका फेकोलिथ हो गया, ये सीट हो गया, या फिर आप देखेंगे सील हो गया, ये डाइक हो गया, ये इस तरह का लोपोलिथ होता है। ठीक है, इस तरह से आपके चित्र बनते हैं यानी कि आकृतियाँ बनाते हैं आप लोग सामान्य तौर पर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ये आपके एक तरह से ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं और इस चैप्टर आपका खत्म भी हो चुका है।
तो इसके बारे में आप लोग इन क्वेश्चंस को भी देख लेना। और हम लोग अगले चैप्टर में मिलते हैं, आपकी चौथा चैप्टर महासागरों और महाद्वीपों का जो विवरण है, इसमें हम लोग इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। ये आपका तीसरा चैप्टर है, इसे आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। एक से दो बार आप लोग जैसे ही देख लेते हैं, आप लोग पढ़ लेते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बड़े आपको बस धैर्य के साथ देखना होगा।